सिंधिया की रैली में खूब कटी जेबें, किसी का गया पर्स तो किसी का गया मोबाइल। शनिवार 4 दिसंबर यानी कि सिंधिया का दौरा का कार्यक्रम। संध्या के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की थी। शहर को भव्य तरीके से सजाया गया, जगह जगह बैनर और पोस्टर के साथ स्वागत मंच बनाए गए। शाम होते ही मंत्री सिंधिया शिवपुरी आए और गुना बाईपास से उनका काफिला चलना शुरू हुआ। मंत्री सिंधिया की रैली में अपार भीड़ थी और इसी का फायदा जेब कतरों ने उठाया। यहाँ जेब कतरों ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की जेबों पर हाथ साफ किया और किसी का मोबाइल तो किसी का पर्स चुरा कर ले गए। हालांकि कुछ लोगों ने जेब कतरों को पकड़ा, लेकिन उनसे चुराया हुआ माल बरामद नहीं हुआ। कोलारस के रहने वाले राहुल दास ने बताया कि वो भी संध्या की रैली में स्वागत के लिए आए थे। जब काफिला झांसी तराहे पर चला था, तभी किसी ने उनकी जेब काट ली और उनका मोबाइल चुरा लिया। राहुल ने बताया कि कुछ लोगों पर शक हुआ, जिसको उसने पकड़ा और पूछताछ कर तलाशी की, लेकिन मोबाइल नहीं मिला और चोरी गए मोबाइल की कीमत 12,000 रुपये थी। वहीं बंटी रहमान लुधावली ने बताया कि वो ITBP गेट के पास महाराज के स्वागत के लिए खड़ा था, तभी भीड़ में से किसी ने उसका पर्स चुरा लिया, जिसका पता नहीं चल सका। वहीं एक वकील का भी पर्स इस दौरान गायब हो गया। हाँ सर, मैं अपने प्रोग्राम में गया था, यहाँ ITBP गेट नंबर 2 के सामने प्रोग्राम था महाराज साहब का जी। उसमें प्रोग्राम में गया था तो मेरी जेब से, जब महाराज साहब जैसे ही आने वाले हुए, उस टाइम पे मेरी जेब से पैसा निकल चुका है, 6,000 रुपये। हाँ, कौन सी जगह निकला था जी? ये ITBP नंबर गेट के 2 के सामने है, जो प्रोग्राम रखा था RVC रघुवंशी जी के यहाँ। हाँ, तो आप पैसे कहीं से ला रहे थे या फिर? पैसे में सर मैं दूसरी जगह से लाया था, दूसरी जगह मुझको देना थे, लेकिन मैंने जो सोचा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी जेब कट चुकी है और ये पैसा मैंने ब्याज से उठाया है। अब बताइए मैं क्या करूँ? किसी को पकड़ा है क्या? हाँ पकड़ा तो है, कुछ एक फोन आया था, अंदर एक व्यक्ति है पतला सा, अब उन वो क्या दारू पिए, उनसे कुछ पूछताछ वगैरह नहीं हुई अभी शायद। कितनी देर पहले की बात है ये? अभी सर प्रोग्राम कम से कम 7 बजे का है सर। ये हमारा पॉइंट चोरी हो, कैसे क्या? यहीं हम रैली में गए थे तो जहाँ ड्राइवर किसी ने जेब में से निकाल लिया, और वो पकड़े भी थे 2-3, लेकिन कुछ उसमें मिला ही नहीं। पकड़े भी थे तो उनको छोड़ दिए या फिर? नहीं, और भी लोग थे, उनके भी पकड़ लिए थे, पैसे वगैरह मोबाइल उनका भी थे, लेकिन उनमें मतलब उनमें पढ़ाई भी लगाई थी उन्होंने, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला उनके पास। कौन कौन सा था? फोन ओप्पो का था। मॉडल नंबर? मॉडल नंबर पता नहीं, ओप्पो का ही था। कीमत क्या थी उसकी? कीमत वो भी 12,000 रुपये थी। कौन सी रैली में थे आप? यही सिंधिया वाली, महाराज वाली। सर जितना ही प्रोग्राम हुआ सब रैली में।